हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए गेहूं से बनी बहुत ही स्वादिष्ट मठरी लेकर आई हूं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से हम इन्हें त्यौहार में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। इसे बनाने के लिए 1 कप गेहूँ का आटा, 1/2 कप पिसी हुई चीनी और 1 टेबल स्पून मैंने तीली ली है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मोइन करने के लिए। मोइन हमारा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हमारी मठरियाँ बनेंगी। तो ये देखिए, इस तरह से लड्डू बनना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो बना लेंगे। इसका हमें एक सख्त डो बनाना है। तो देखिए आटा हमारा कितना सख्त बना हुआ है। अब आप चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ कर हथेलियों की मदद से इस तरह से मठरियाँ बना सकते हैं, या फिर आप इसे बेलकर कुकी कटर से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों मेथड बता दी आपको इस तरह से, देखिए। और या फिर इस तरह से आप इसको बेलकर अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बेलना हमें इसको, ना बहुत ज़्यादा थिन, तो मीडियम करके हमें इसे बेल लेना है। क्योंकि मठरियों का साइज़ थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है, क्योंकि उससे वो कुरकुरी बनती हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे बेल लिया है और एक कुकी कटर की मदद से हम इसको छोटा छोटा सर्कल में कट कर लेंगे। आप चाहें तो गिलास से भी कट कर सकते हैं, या फिर अपने सेब के कुकी कटर से इसे कट कर सकते हैं इस तरह से, जिसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। और सारे हमको इसी तरह से कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा एजेस है इन्हें निकाल कर हम फिर से इसी तरह से बेल कर इन्हें भी बना लेंगे। तो किसी भी त्यौहार में मठरियाँ तो बनती ही हैं और आटे की बने तो और भी अच्छी। तो देखिए तैयार हैं। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि हल्की क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। जब इन्हें हम फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहेंगी, और जब ये तलने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएंगे तो ये अच्छी तरह से कड़क और खस्ता हो जाएंगी। तो आप इसमें चिंता ना करें। अगर आपका मोइन अच्छा है तो आपकी मठरियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो ये देखिए, जब एक साइड से हल्का सा कलर दे दे तभी हमें इन्हें पलटना है, बार बार नहीं पलटना है हमें इन्हें। और इस तरह से आप सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इनमें कलर आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन हो गई हैं। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। और अभी ये थोड़ी देर में बहुत ही सख्त हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गई हैं हमारी बहुत ही टेस्टी खस्ता गेहूँ से बनी मठरियाँ। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल में आपको इस तरह से आसान रेसिपीज देखने को मिलती ही रहेंगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।